हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस साल पांचवी बार सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 21 और आयकर अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी कर दी है। इससे यह साफ हो गया कि भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं है। सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद में अब तक 85 अधिकारियों की सेवा ख़त्म की जा चुकी है, जिनमें 64 अधिकारी कर विभाग के हैं। ये सारे अधिकारी वे हैं जिनके खिलाफ़ घूसखोरी, जबरिया वसूली, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने सहित भ्रष्टाचार के दूसरे संगीन मामले दर्ज हैं। यो तो सरकार का शायद ही कोई ऐसा महकमा होगा जहां भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन कर विभाग में भ्रष्टाचारी सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है और कर संग्रह का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी किस कदर लोगों को धमकाते हुए लूटते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। खास तौर से कारोबार करने वाले व्यापारियों आयकर विभाग की लूट से आतंकित रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने भाषण में कहा भी था कि कर विभाग में कुछ काली भेड़े हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ईमानदार करदाताओं को परेशान करती है। घूसखोर अधिकारी आयकर दाताओं को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि कई बार तो लोग मौत को गला लगा लेते हैं। 5 महीने पहले कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने भी आयकर विभाग की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भले कितने अभियान चला लें, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म कर पाना बहुत ही दुष्कर काम है। ऐसा इसलिए है कि हमने भ्रष्टाचार को एक तरह से आत्मसात कर लिया है और मान बैठे हैं कि यह हमारे समाज, प्रशासन और सरकारों का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने इस साल भारत में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सर्वे कराया था। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि साल भर में 51% लोगों ने घूस देकर अपने काम करवाए। सबसे ज़्यादा यानी 26% लोगों की को संपत्ति और भूमि संबंधी कामों के लिए घूस देनी पड़ी। 20% लोगों को पुलिस में पैसे खिलाने पड़े। इसी तरह नगर निगम, बिजली विभाग, जल विभाग, RTO, दफ्तर और अस्पताल ऐसे ठिकाने हैं जहां बिना लेन देन के काम करा पाना संभव नहीं है और इन महकमों से आमजन का सीधा सबका पड़ता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में निचले स्तर पर किस कदर भ्रष्टाचार पसरा है और लोग पैसे देकर काम कराने को मजबूर होते हैं। कहने को ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसका मकसद भी यह है कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पा रहा है। बड़ी समस्या यह है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए हमारे पास पुख्ता तंत्र का अभाव है। ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ऐसे मामलों की शिकायत कहाँ की जाए। जहाँ जांच होती भी है वहाँ इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि शिकायतकर्ता को इस तरह का कदम उठाना महंगा पड़ जाता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और काम ना रुके, इस डर के मारे छोटे लोग भी छोटे मोटे कामों के लिए घूस देकर पिंड छुड़ाना बेहतर समझते हैं। पुलिस थाने और अदालत में भ्रष्टाचार के किस्से कौन नहीं जानता। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सरकार को तो अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने ही होंगे, साथ ही समाज को भी जागरूक बनने की ज़रूरत है। चलिए मित्रों, ये हमारा भ्रष्टाचार से संबंधित आर्टिकल, किस तरह भ्रष्टाचार छाया हुआ है।